आज जो मैं आपको चाय वाला दिखाने जा रहा हूँ वो है अखंड हिंदू चाय वाला। 6 बजे से लेके 3 बजे बोर्ड, शाम को 3 बजे तक बोर्ड, रात के मैं चाय पीने आ रखा हूँ और ये चाय मेरे लिए बहुत खास है। इधर पहलवान जी, इधर जरूर दिखाओ, अखंड हिंदू चाय वाला चाय तो बड़ी जानदार बनाए हो तुम, बहुत बढ़िया। कैसा लगता है दोस्त चाय? मस्त लगती है, मस्त, बढ़िया। नाम कैसा लगता है भाई? नाम तो कतई मस्त है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हो यहाँ पे कुल्लड़ रखे हुए हैं और कुल्लड़ दिखा रहा हूँ तो मतलब या तो दूध हो सकता है या तो चाय हो सकती है। तो ये यहाँ पे मैं चाय पीने आ रखा हूँ और चाय की खासियत मैं बताता हूँ। बीबीए चाय वाला देखा होगा, एमबीए चाय वाला देखा होगा, ग्रेजुएट चाय वाली देखी होगी, इंजीनियर चाय वाला देखा होगा और एमएससी चाय वाला भी देखा होगा। इनमें से कई 2-3 वीडियो तो मैं भी बना चुका हूँ और चाय वाला भी बहुत देखा होगा। एक आनंद विहार में शेखर चाय वाला है, बहुत फेमस, उसे देखा होगा। आज जो मैं आपको चाय वाला दिखाने जा रहा हूँ वो है अखंड हिंदू चाय वाला और ये लक्ष्मी नगर में यहाँ पे सचदेवा जूस कॉर्नर देख सकते हो आप, उसके सामने भाई लगाते हैं। ये जो दुकान है वो किसी तिवारी भाई की है, क्या नाम है उन भाई का? अमितेश तिवारी नाम है उन भाई का और उन्होंने ये दुकान खोली हुई है अखंड हिंदू चाय वाला के नाम से। ये आइडिया कैसे आया था उन्हें, आपको कुछ पता है कि नहीं? जी भैया, हमारे भैया अमितेश तिवारी जी हैं, उसी ने बताए थे। अच्छा, अपने दिमाग से? अच्छा, वो बैंक में जॉब करते हैं भैया। अच्छा 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 जी। अच्छा, तो वो जो जिस भाई ने ये चाय की दुकान खोल रखी है और इस भाई को रख रखा है यहाँ पे, आप ही चलाते हो मतलब ये दुकान? यहाँ शाम को आ जाते हैं। अच्छा, शाम को आ भी जाते हैं? शाम को वो आ भी जाते हैं, हो सका तो मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगा। और नाम अखंड हिंदू चाय वाला ये उन भैया ने रखा है। हिंदू है हम लोग। अच्छा रखे हैं जी भैया। अच्छा, क्या बात है, हिंदू है हम लोग और हिंदू नाम रखे हैं। तो बहुत तरीके की चाय वाले सुने थे और बहुत तरीके के चाय वाले देखे थे, लेकिन ऐसा कार्ट, ऐसा नाम और लक्ष्मी नगर में गेट नंबर कौन सा है? सचदेवा जूस कॉर्नर है, यूं समझ लो आप। सचदेवा जूस कॉर्नर के जस्ट सामने लगाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 6 बजे लगता है बोर्ड, 3 बजे तक। सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे बोर्ड तक, शाम को 3 बजे तक बोर्ड तक, रात के? जी हां, वही आ जाते हैं ना शाम को। अच्छा, रात के 3 बजे तक? ओ माय गॉड, रात के 3 बजे तक लगता है। और ये देख सकते हो आप, एक बार इसमें चाय वाय बनी हुई है, क्या है, क्या सिस्टम है यहाँ का? तो आप देख सकते हो, तुम 150 करोड़ हो, 1.5% ही आ जाओ अखंड हिंदू चाय वाला पे, समझ रहे हो, आ जाओ। और ये सब देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से भैया ने कुल कितने रुपए की चाय है भैया? भैया ये वाली 15 रुपए का है। 15 रुपए की? ये वाली 10 की है। 10 रुपए की? ये वाली 5 की है। 5 रुपए की, क्या बात है भैया। और मैं कोशिश करूंगा, ये भाई जो है थोड़ा सा शाई है नेचर का, लेकिन हम अमितेश तिवारी जी से कोशिश करेंगे बात करने की। शाम को आइए, भेंट हो जाएगा। शाम को आएंगे भेंट करने उनसे। कहाँ के हो आप भैया? प्रयागराज से। प्रयागराज, इलाहाबाद? इलाहाबाद, प्रयागराज। हाँ, अच्छा, राजा भैया वाला है ना ये तो। तो अब चाय टेस्ट करेंगे हम और 15 वाली चाय टेस्ट करेंगे। बनाओगे कि बनी हुई है चाय? अभी बनी हुई है चाय, तो गर्मा गर्म 2 चाय निकाल दो। और आज वीडियो के पीछे मेरा बहुत खास दोस्त, मेरी जान, उसको भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये एक तो मेरी जान चाय हो गई और एक दूसरी पहलवान जी है हमारे साथ, उनकी चाय हो गई। और तुम भी अपने लिए भी निकाल लो। नहीं, निकाल लो, टेंशन मतलब। एक ये कप में हमारे, क्या नाम है आपका भैया? वीरेंद्र भैया। तो आप देख सकते हो यार, इस तरीके से मैं चाय पीने आ रखा हूँ और ये चाय मेरे लिए बहुत खास है। मेरे घर में नीचे से ऊपर तक 19 या 22, 23, 24 लोग रहते हैं और सब तो आएंगे यहाँ अखंड हिंदू चाय वाला पे। और आपसे भी विनती है, प्रार्थना है कि कृपया करके यहाँ आने का प्रयास करें। सचदेवा जूस कॉर्नर के जस्ट सामने में लगाते हैं ये। एक बार साइकिल इधर, पहलवान जी इधर जरूर दिखाओ, अखंड हिंदू चाय वाला क्या नाम रखा है? बीबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, बीटेक चाय वाला और कितना जाने कितने सारे चाय वाले देखे। अखंड हिंदू चाय वाला मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक बार चाय दे देना भैया। और चाय की देखो खासियत मैं आपको दिखाऊं, चाय बस निकली हुई है, अभी निकली है चाय। और चाय में देखो ऊपर की तरफ मलाई आ गई है, इसका मतलब दूध वाली चाय है भाई, दूध वाली चाय है ना, मतलब मुझे चाय की पहचान है। तो भैया का मानना है मुझे चाय की पहचान है। लो चाय पियो, ये हो गई हमारी चाय। वो पिएगा, वो वीडियो बना ले फिर पिएगा वो। ओहो, ओहो, चाय तो बड़ी जानदार बनाए हो तुम, बहुत बढ़िया।
तिवारी जी से मिलने मैं शाम को आऊंगा, या हो सकता है कल परसों में आऊं। रात के 3 बजे तक लगती है दुकान। तो भाई वो सोता कब है आदमी? वही 3 बजे आते हैं, फिर उसके पास 9 बजे जॉब करने चले जाते हैं। यार ऐसे इंसान को वीडियो में लाना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए हमें। और सचदेवा जूस कॉर्नर के पास लगता है, शाम को कोशिश करूंगा उस भाई को दिखाने की। चाय बहुत औसम है, बहुत सुपर है, कोई कमी नहीं है। और 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 ये हमारे जो भाई है, क्या नाम, अमित नहीं, वीरेंद्र, वीरेंद्र कुमार जी सर, वीरेंद्र कुमार भाई का नाम है। और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो? वीडियो तो पसंद आ ही रही है, वीडियो तो पसंद आ ही रही है, मैं बता रहा हूँ, वीडियो तो पसंद आ ही रही है, क्योंकि इस वीडियो से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इस चाय से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये वर्ल्ड बेस्ट चाय है जो कि सचदेवा जूस कॉर्नर के सामने सामने भैया ने खोला हुआ है, अखंड हिंदू चाय वाला के नाम से। ये नाम कैसे रखा आपको पता है कुछ? भैया वो बोले थे अपने मन से रखे। अच्छा, वो ना ये सब जानकारी उस भाई से लेके दूंगा मैं आपको। और मतलब सुबह 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक, सुबह 6 बजे भैया, सुबह 6 बजे से भोर 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक। अरे भाई क्या बात है। तो आप देख सकते हो, मतलब देखा जाए तो 20-21 घंटे। आओ चाय पियोगे? चाय चाय बनाओ, चाय दो भैया को, चाय चाय दो बिल्कुल। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 10 वाली, 5 वाली पिला दो पहले। टेस्ट बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छी चाय नहीं हो सकती। ऐसा समझ लो जैसे हमने दूध फाड़ के डाल दिया और चाय पत्ती डाल दिया। अभी पता चल जाएगा, पियो, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब आप बताओगे कैसी है चाय। अच्छी है भाई, अच्छी है, बहुत दम अच्छी है। अरे दम नहीं, सुपर है। अभी आए थे बाइक से, खुद आए और अचानक से पूछा ना सर मैंने आपसे, और अचानक से ही सर ने बताया कि अच्छी है चाय, बहुत अच्छी चाय। तो भाई हमारी वीडियो ये इसलिए मेरे को अच्छी लग रही है क्योंकि ये भैया इतने अच्छे है, तिवारी जी इतने अच्छे है, चाय इतनी अच्छी है, नाम इतना अच्छा है। और शाम को मिलेंगे इस चाय को दोबारा पीते हुए। धन्यवाद और प्रणाम, जरूर आओ। सचदेवा जूस कॉर्नर लक्ष्मीनगर में है, गेट नंबर रेड लाइट पड़ती है, लक्ष्मीनगर की रेड लाइट है, गेट नंबर 1 की तरफ सचदेवा जूस कॉर्नर है। जरूर आओ, जरूर आओ, जरूर आओ। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू गाइस फॉर दिस चाय, फॉर दिस लवली चाय, फॉर दिस ऑसम चाय, फॉर दिस फैंटेबुलस चाय। प्लीज कम एंड टेस्ट दिस चाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जैसा कि आप सबको पता है, ये वीडियो मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि मेरे पहलवान जी, मेरी जान, आन बान और शान, अखंड हिंदू चाय वाला पे हम दोनों ने चाय पी है और बढ़िया लगा। पहलवान जी तगड़ा चाय जरूर पी है यहाँ पे, नाम इसका काफी अच्छा है, अखंड हिंदू चाय वाला। अब वकील जी ने बोल दिया तो पियो भाई, वकील साहब ने बोल दिया हमारे तो पियो अखंड हिंदू चाय वाला। और जरूर आओ दोस्त, पीते रहते हो यहाँ के? हम तो यही रहे, यही पीते हो, बढ़िया है चाय। तो इस भाई ने भी बताया कैसा लगता है दोस्त चाय? मस्त लगती है, मस्त, बढ़िया। तो नाम कैसा लगता है भाई? नाम तो कतई मस्त है। अरे गजा, अरे गजा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है हमारे भाई, वो तो वीडियो में उधर चले गए, मतलब उनको वीडियो में नहीं आना, थोड़ा घूमने फिरने वाले लौंडे हैं वो। हाँ शर्मीले हैं, सही कह रहा हूँ।